हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, इस ब्लूटूथ हेडफोन को रिपेयरिंग करेंगे। इस ब्लूटूथ हेडफोन में जो प्रॉब्लम है चार्जिंग पिन को लेके, यहाँ पे जो है चार्जिंग पिन टूट चुकी है इसका, और किसी कारण बस आपका चार्जिंग नहीं ले रही है। तो इस प्रॉब्लम को आज इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लूटूथ हेडफोन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इस ब्लूटूथ हेडफोन में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस ब्लूटूथ हेडफोन में देखने को मिला, यहाँ पर चार्जिंग पिन जो इसका उखड़ चुका है, जिस कारण से यहाँ पे चार्ज नहीं हो रही है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चार्जिंग पिन को इंस्टॉल करेंगे न्यू, और इस ब्लूटूथ हेडफोन को रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे चार्जिंग पिन हमारा जो उखड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से, अच्छे सोल्डिंग आयरन से इसको साफ कर लेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर जो पिन मैं इंस्टॉल करूँगा वो अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो पाएगी। एक भी थोड़ा सा यहाँ पे गैप, मतलब ये नहीं होना चाहिए, पूरे तरीके से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद चलिए फ्रेंड, यहाँ पे चार्जिंग पिन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, 4 से 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, जो आपको मार्केट में इजीली रेट में मिल जाएगी। एक पीस तो आपको नहीं मिलेगी, 10 पीस, 20 पीस, 30 पीस आपको लेने पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस चार्जिंग पिन को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर चार्जिंग पिन में एक खर्च है, उसको प्लास से कुछ इस तरीके से सीधा कर लेनी है, तभी जाके आपको जो पिन है इसमें बैठेगी फ्रेंड। तो चलिए, मैंने उसको सीधा कर लिया हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली सोल्डरिंग करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छी सोल्डरिंग आयरन, बहुत ही ज़्यादा हीट में यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे, ताकि अंदर में जो है बीच में जो लेयर दिए हुए सोल्डरिंग का, वहाँ पर भी चिपके अच्छे तरीके से, ताकि जो चार्जिंग पिन है जल्दी से हिले नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा अधिक टाइम तक हीट करके यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठाएंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है यहाँ अच्छे तरीके से बैठ चुका है, और यहाँ पे अब मैं जो है कनेक्शन का आपको यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कनेक्शन का सोल्डिंग करते हैं फ्रेंड। और यहाँ पर बैक साइड में 3-4 कनेक्शन है, उसको सीधे पिन आपको जो बैठेगा वहाँ पर डायरेक्टली बैठ जाएगी, और सोल्डिंग आयरन से कुछ इस तरीके से सोल्डिंग कर देनी है, और कुछ नहीं करने ज़्यादा। वहाँ पर सोल्डिंग वायर भी नहीं लगानी है, अगर ज़्यादा आप वायर लगा देते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी सोल्डिंग करने में फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैं लगा के दिखाते हैं एक बार, चार्जिंग हो रही है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो है चार्जिंग लेने लगा, बट आपको दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये चार्जिंग यहाँ पे दिख रहा मुझे, लेकिन आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड, आगे वीडियो को देखते हैं और इसको पूरी तरीके से पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, जो मैं अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर इसको लगा लेते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर चार्जिंग को लगाते हैं और आपको दिखाते हैं चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है चार्जिंग थोड़ा टाइम के लिए नहीं लिया, फिर लगाते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर चार्जिंग लेने लगा और बैटरी डाउन है, जिस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग कुछ देर में शो कर रही है फ्रेंड। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्जिंग होने लगी है। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सब से मिलते हैं फ्रेंड।